नमस्कार दोस्तों, आज हम MB की बुक का सेट नंबर 8 सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को ग्रामर के जो रूल्स हैं, जो SSC पूछती बार बार है, वो सारी चीज़ तो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड और कितने रूल हो सकते हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सारे रूल्स हम SSC जो बार बार एग्जाम में पूछ रही है, वो सब डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। आप लोग ये सारी अच्छे तरीके से आप लोगों को रूल समझ में आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज ये पूरी बुक अगर आप सॉल्व कर लेंगे, तो SSC का कोई भी एग्जाम हो, चाहे SSC CPO का हो, CGL का हो, CHSL हो, या स्टेनोग्राफर, सारे एग्जाम्स में SSC आपकी आसान हो जाएगी, क्योंकि SSC वही पैटर्न, जो पुराने पैटर्न है, उसी पर क्वेश्चंस पूछती है। यानी कि जो पिछला क्वेश्चन वो बनाए होते हैं क्वेश्चन पेपर, वहीं से नए क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, है ना। और हर वो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो एग्जाम में सेलेक्ट हुआ रहता है, वो MB जरूर सॉल्व करता है, यानी कि प्रीवियस ईयर सेट जरूर सॉल्व करता है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे। विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम निकाल ले जाए, तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये जरूरी है, ये करना चाहिए, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 8। सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक के सारे सेट के सोल्यूशन पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वहां नहीं देखा है, वो जा करके उसे जरूर देख लें, क्योंकि वहां से उनको काफी बेनिफिट होगी। क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और बन सकते हैं, या जितने SSC के और एग्जाम में पूछे गए हैं अदर ईयर्स में, तो वो सारे हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और दिया हुआ है द सीईओ हैज डिसाइडेड, सीईओ ने डिसाइड किया है टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स, सभी डिपार्टमेंट्स में विजिट करने के लिए, है ना, ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के सभी डिपार्टमेंट्स में विजिट करने के लिए। तो हम देखते हैं सीईओ सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आई हैज, सिंगुलर आई है, सही लिखा हुआ है, और हैज के बाद थर्ड फॉर्म आई है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, उसके बाद आल लिखा हुआ है, आल के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो प्लरल होता है, तो आगे आल द डिपार्टमेंट्स लिखा हुआ है, ऑफ द ऑफिस लिखा है, टुमारो इवनिंग, टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन, नो नो, टू रिव्यू द सिचुएशन होना चाहिए, सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए, है ना, टू रिव्यू द सिचुएशन, सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टू रिव्यू ऑफ नहीं लगेगा, ऑफ नहीं होगा यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन में यहाँ ऑफ अननेसेसरी दिया था, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे ऑल द डिपार्टमेंट्स, यहाँ से SSC ने क्वेश्चन पूछा है, क्या ध्यान दीजिए आप लोग, ऑल का यूज जो माई ऑल फ्रेंड्स ऐसे देता है, माई ऑल फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि माई ऑल फ्रेंड्स जो होता है वो गलत होता है, क्यों, क्योंकि ऑल के बाद हम यूज करते हैं, चाहे आर्टिकल द हो या माई, हिज, आवर, इन सब का जो यूज है वो ऑल के बाद करते हैं, ठीक है ना। इन सब का यूज कहाँ करते हैं, ऑल के बाद करते हैं, और ऑल लिखते हैं, द लिखते हैं, फिर लिखते हैं फ्रेंड्स, या जो भी कुछ लिखना है तो उसे हम ऑल के बाद लिखते हैं। कभी भी माई ऑल फ्रेंड्स नहीं होगा, ऑल माई फ्रेंड्स होगा, यहां से क्वेश्चन SSC ने पूछा है, ठीक है ना। यहाँ ऑल के बाद दा लगेगा, है ना। और एक बात हम देखते हैं कि ऑल के बाद दा का यूज होता है और होल के पहले, तो जो आर्टिकल दा का यूज करते हैं वो ऑल के बाद और होल के पहले करते हैं, ठीक है। और माई हुआ, आवर हुआ, हिज हुआ, इन सभी का यूज जो है वो ऑल के बाद करते हैं, ठीक, और होल के पहले दा का यूज होता है और आल के बाद दा का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेहा इज ए वेरी गुड फैशन डिजाइनर बट हर डिजाइंस आर नॉट इजिली एसेसिबल विद द पब्लिक। हमने ये क्वेश्चन पहले बताया है, जितने लोगों ने क्वेश्चन ये देखा हुआ है ना, इससे पहले की सारी वीडियोस देखी हुई हैं, वो एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें क्वेश्चन एरर जब सॉल्व करना होता है, तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं हम। पहले देखते हैं नेहा, और नेहा है सिंगुलर, इसलिए इज आया हुआ है, ठीक है। एक गुड फैशन डिजाइनर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नेहा के साथ इज आया है, इसके बाद ए वेरी गुड फैशन डिजाइनर, बट, लेकिन, अब बट ये दो अपोजिट सेंटेंस को जोड़ेगा,
फैशन डिजाइनर वो अच्छी है, लेकिन आगे कुछ दिक्कत वाली बात होगी क्या? बट हर डिजाइन्स आर नॉट इजिली एसेसिबल टू द पब्लिक, उसकी जो डिजाइन्स हैं वो इजिली एसेसिबल नहीं होती हैं पब्लिक को, ठीक है? तो हमने बताया है कई बार और आज आप लोग फिर एक बार देख लीजिए, एसएस के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, एसेसिबल के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, एसएस टू, एसेसिबल टू, क्लोज टू, ये भी आगे अभी 2017 में ही आगे मिलेगा, क्लोज टू, नियर टू, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट टू, एडजेसेंट टू, लीड टू, शिफ्ट टू, इन सब के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, रेफर टू, ये सब पूछे गए हैं। ये लीड टू 2000 जो अभी 22-23 दिसंबर का पेपर हुआ एसएससी स्टेनोग्राफर में, वहां लीड टू पूछ लिया था, ठीक है? इन सब का यूज होता है। तो हमने देखा एसएस और एसेसिबल के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। यहाँ पे दोस्तों, भाइयों, बहनों, क्या लगा दिया है? एसएस के साथ, एसेसिबल के साथ विद लगा दिया है। होना क्या चाहिए यहाँ पे? टू का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ देखिए आप लोग लिखा हुआ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स लाइफ, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो लाइफ है, वॉज सैगा ऑफ डेडिकेशन इन द कॉज ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो देखिए, डिवोटेड और डेडिकेटेड और डेडिकेशन, इन सब के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, और यहां होना चाहिए डेडिकेशन टू द कॉज ऑफ, ठीक है? डिवोटेड, डेवोटेड, डेवोट, डेडिकेट, डेडिकेशन, इन सब के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है ना? ये सारे हम टू प्रीपोजिशन देखिए कितने ढेर सारे हम बताते हुए चल रहे हैं आप लोगों को। तो यहां डेडिकेशन के साथ टू प्रीपोजिशन यूज होगा, ठीक है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिंगुलर है इसलिए वाज लगा हुआ है, कलाम्स लाइफ, लाइफ सिंगुलर इसलिए वाज लगा है, ए के बाद सगा लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ऑफ डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ इन लगता है, नहीं टू लगता है, द कॉज, कॉज नाउन है, इसके पहले द का यूज हुआ है, सही है, ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स जो है वो क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, यानी एजुकेशनल क्या है, एडजेक्टिव है, और इन इंडिया क्यों लगा हुआ है, क्योंकि प्लेस के पहले हम इनका यूज करते हैं, ठीक है? इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए आप लोग, आशीष वाज लिसनिंग, आशीष वाज लिसनिंग, आशीष सुन रहा है टू ए रेडियो, और लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, जैसे बोलते हैं ना लिसन टू मी, वैसे ही लिसन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, टू प्रीपोजिशन लगता है, या रेडियो के पहले ए का यूज नहीं होगा। आशीष वाज लिसनिंग टू रेडियो वैन सुनीता अराइव, जब सुनीता पहुंची तो रेडियो के पहले ए आर्टिकल का यूज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, और 5 लिखा क्या हुआ है, 5 लिखा है वैन द प्रोफेसर्स, और वैन के बाद, वैन चूंकि कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद आएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि वैन के बाद प्रोफेसर्स लिखा हुआ है, वैन द प्रोफेसर्स ऑन आर ऑन स्ट्राइक, प्रोफेसर्स है इसलिए आर लगा हुआ है, ठीक है? ऑन स्ट्राइक, जब स्ट्राइक पर है, एंड ए नोटिस, ए के बाद नोटिस लगा है, सही है, ऑफ दिस इफेक्ट, और दिस के बाद इफेक्ट लगा है, क्योंकि दिस के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, यहां भी सही है, और यहां सब्जेक्ट का है, ए नोटिस ऑफ दिस इफेक्ट में ऑफ प्रीपोजिशन के पहले लगा हुआ ए नोटिस सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग आया है इज, ठीक, इज पेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी गेट, जो कि पेस्ट किया गया है यूनिवर्सिटी गेट पर। फिर लिखा है देयर इज नो सेंस टू गो देयर, तो आप लोग एक बात लिखिए, देयर इज नो के बाद आई एन जी फॉर्म का यूज होता है, जैसे देयर इज नो, ये रूल है, देयर इज नो यू, देयर इज नो सेंस, देयर इज नो यूज, देयर इज नो यूज, सब मिला के एक बात जानिए, इसके बाद आई एन जी फॉर्म का यूज होता है, ठीक है? लिख लीजिए आप लोग, देयर इज नो, देयर इज नो डूइंग समथिंग होता है, देयर इज नो डूइंग समथिंग, मतलब क्या है कि देयर इज नो के बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म आती है, देयर इज नो, देखिए आगे वर्ब लगानी है तो हम हमेशा आई एन जी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है? सेम यही काम यहां हो रहा है, देयर इज नो हमने देखा तो आगे कौन सी फॉर्म आएगी, तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म आएगी, और यहां होना चाहिए गोइंग देयर, ठीक है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये रूल आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि देयर इज नो के बाद आई एन जी फॉर्म का यूज होता है, देयर इज नो यूज, देयर इज नो सेंस,
या सब मिलाकर के आप लोग लिख लीजिए ओवरऑल देयर इज नो डूइंग समथिंग। डूइंग समथिंग का मतलब क्या है कि देयर इज नो के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, यही आप लोगों के काम आने वाला है, बाकी कुछ नहीं। अगर स्टेनो बनना है या अगर किसी भी एग्जाम की एसएससी से रिलेटेड तैयारी करनी है तो आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं कि आप कितने बार ये सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने एसएस एसेसिबल क्लोज नियर नेक्स्ट एडसेंट लीड इन सबके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज बताया है तो ये कहीं ना कहीं आगे मिलेगा आप लोगों को, इसलिए हमने बता दिया है पहले ही, ठीक है। तो इससे एक सेट नहीं तैयार कर रहे हैं आप, इससे कई सेट्स के आप लोग अच्छे अच्छे रूल्स तैयार कर रहे हैं, तो ये मिलेंगे आप लोगों को, जरूर मिलेंगे, ठीक है। और जॉब भी मिलेगी आप लोगों को, जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग तैयारी जरूर बेहतर करते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम जरूर आएगी, ठीक है। और प्रॉब्लम आएगी तो पूछना आप लोगों का काम है, बताना मेरा काम है, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए लगा हूं कि किसी भी तरह से आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, बस किसी भी तरह से हर हाल में आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े बस आप लोग पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें भाई तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, ऑफ द 5 स्टूडेंट्स विल अपियर इन द कोर्ट, तो एनी होगा, नाइदर होगा, आइदर होगा या बोथ होगा। तो चलिए हम देखते हैं, देखिए दो के लिए किसका यूज करते हैं और दो से अधिक के लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ लिखिए दो के लिए और यहाँ लिखिए दो से अधिक के लिए, ठीक है। चलिए चार्ट बनाते हैं हम लोग और देखते हैं, कई बार हमने बताया भी है आइदर का यूज जो है वो दो के लिए करते हैं, और आइदर की जगह दो के लिए क्या लगाते हैं, एन, दो से अधिक के लिए एनी का यूज। नाइदर का जो यूज करते हैं वो दो के लिए करते हैं, और दो से अधिक के लिए हम भाई साहब लगाते हैं नन, भाई क्या लगाते हैं, नन का यूज करते हैं, मतलब नाइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स और नन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अच्छा ईच अदर का जो यूज है वो दो के लिए करते हैं, और वन एनदर का यूज जो है वो दो से अधिक के लिए करते हैं, ठीक है ना। वन एनदर का यूज हम दो से अधिक के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे दिया गया है ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, और पांच के लिए क्या लगाएंगे, पांच दो से अधिक होता है ना बंधु, पांच दो से अधिक होता है, तो दो से अधिक के लिए हम एनी का यूज करते हैं, आइदर नाइदर का यूज तो दो के लिए होता है ना। और यहाँ पे देखिए आइदर नाइदर का यूज तो दो के लिए होता है, यहाँ तो पांच लोग हैं भाई, 5 पर्सन्स हैं, तो आइदर नाइदर तो लगेगा नहीं। बोथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि बोथ का यूज भी दो के लिए होता है, तो बोथ भी कैंसिल हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो देखिए, आप बोथ का नहीं होना है तो यहाँ पे यूज होगा क्या, एनी का यूज, क्या यूज होगा, एनी का यूज। कई लोग आप लोग सोच भी लिए होंगे कि यहाँ पे एनी होगा, है ना, तो बस एनी ही होगा, आप लोगों ने सही सोचा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखिए द चिल्ड्रेन सॉ हिज पेरेंट्स ही बिकेम हैप्पी, जब उस चिल्ड्रेन ने अपने पेरेंट्स को देखा तो वो हैप्पी हो गया, है ना। तो वहां वैन यूज होना चाहिए, जब की मीनिंग क्या आएगी, वैन। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेरेंट का मतलब होता है माता या पिता, और पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता, ठीक है। रूहिका वाज मैरिड अक्षय, रूहिका ने क्या किया, अक्षय से शादी की है। तो एक बात देखिए आप लोग, एक बात देखिए आप लोग कि मैरी का यूज, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो पैसिव वॉइस में टू प्रीपोजिशन का यूज होता है और एक्टिव वॉइस में जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, मैरी, ठीक है। मैरी के बाद आप लोग लिखिए नो, ठीक, मैरी और नो, इसके ये एक्टिव वॉइस में अगर हैं तो इनके साथ प्रीपोजिशन यूज होता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं, और अगर पैसिव वॉइस में है तो इनके साथ प्रीपोजिशन यूज होता है क्या, टू प्रीपोजिशन। यानी कि मैरी अगर एक्टिव वॉइस में है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, और मैरी का यूज यदि पैसिव वॉइस में किया गया है तो टू प्रीपोजिशन लगता है, आप लोग रूल लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैरी का यूज वाज मैरिड यानी पैसिव वॉइस में है, हमने न्यूज़पेपर में कई बार बताया है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होती है, तो वाज मैरिड पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं मैरी के साथ। अगर ये एक्टिव वॉइस में लिखा होता तो कोई प्रीपोजिशन यूज ना होता, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेहा पे, नेहाज पे इज डैश ऑफ वर्क, टू हाईली, टू भी एडवर्ब होता है, हाईली भी एडवर्ब है। आगे देखते हैं हाई एनफ, मच हाई और एनफ हाई। तो एक बात आप लोग बताएं, हम
कि जो एनफ का जो यूज है ना, तो पहले आप लोग देख लीजिए एनफ है क्या। एनफ जो है ENOUGH, एनफ जो है वो एडजेक्टिव भी होता है। क्या है? एडजेक्टिव भी होता है और एनफ एडवर्ब भी होता है। ठीक है, अगर एनफ एडजेक्टिव है, जैसे कि एनफ मनी, एनफ आई हैव एनफ मनी, पर्याप्त धन, तो मनी नाउन है, नाउन को विशेषता बताने वाला एनफ क्या है? एडजेक्टिव है। अगर एनफ एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव के बाद आता है, जैसे गुड एनफ होता है, एनफ गुड नहीं होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, एनफ का यूज एडजेक्टिव के बाद करते हैं, लिख लीजिएगा रूल, एनफ का जो यूज है वो कहाँ करते हैं? एडजेक्टिव के बाद करते हैं। गुड एनफ होना चाहिए, क्यों? क्योंकि गुड यहाँ एडजेक्टिव है और एनफ उसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब है। ठीक है, और इसका एनफ का जो यूज है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, एनएफ का यूज पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद होता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ क्या दिया गया है? हाई, हाई क्या है? हाई हायर हाईएस्ट होता है, यानी हाई क्या है? एडजेक्टिव, और हाई के बाद लगा हुआ है एनएफ, ये एडवर्ब है। और हाई का यूज, जो एनएफ का यूज है जो, वो कहाँ होता है? एडजेक्टिव के बाद होता है। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले कभी हाई नहीं लगाते, वो एनफ नहीं लगाते, तो ये गलत वैसे भी हो गया। नेहाज पे इज डैश ऑफ हर वर्क, तो यहाँ होना चाहिए हाई एनफ होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, क्या बात है? इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी का मतलब होता है मूर्खता। इम्बेसिलिटी का मतलब क्या होता है? मूर्खता। डैजलिंग, डैजलिंग का मतलब होता है कोई चीज डैजलिंग करती, मतलब चमकदार कह सकते हैं, चकाचौंध बोल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा तेज जब लाइट पड़ती है, फ्लैश, तो चकाचौंध होता है, उसे हम डैजलिंग बोलते हैं। फुलिसनेस, फुलिसनेस मीन्स भी मूर्खता। फिर फ्लैटर करना आप लोग जानते ही होंगे, चापलूसी और डिसेपरेट, अलग, यहाँ डिसेपरेट हो गया, सेपरेट मीन्स अलग होता है। यहाँ पे इम्बेसिलिटी है, इम्बेसिलिटी का मतलब होता है मूर्खता, और इसका सही साइनो क्या हो जाएगा? फुलिसनेस, सॉरी। ठीक है, अब देखते हैं सोमनोलेंट, ठीक है, क्या होगा इसका मतलब? निद्रा युक्त बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा नींद में, निद्रा युक्त बोल सकते हैं। इसका हो क्या जाएगा? ड्राउजी, ड्राउजी। इरिटेट करना मतलब बहुत ज्यादा कोई आपको इरिटेट करता है तो आप बोलते हैं ना, प्लीज इरिटेट मत करो। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। और इनरेज का मतलब होता है गुस्सा या क्रोध। इनविडियस का मतलब क्या होता है? इनविडियस का मतलब होता है बुरा। इनविडियस का क्या मतलब होता है? बुरा। आप लोग देखिए इनविडियस का हो क्या जाएगा? इनविडियस मीन्स बुरा होता है, और मॉर्नफुल, उदासी बोलते हैं। स्लोली मीन्स बहुत स्लोली स्लोली। इनडिफरेंट मतलब उदार होता है ना। इनडिफरेंट टू होता है, इनडिफरेंट के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, एक बार पूछा है ये, इनडिफरेंट टू होता है। ठीक है, एक बार पूछा, एंग्री विद एंड इनडिफरेंट टू का क्वेश्चन एक था, इनडिफरेंट के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। और हेटफुल का मतलब आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो क्या जाएगा भाई साहब? यहाँ पे इनविडियस का मतलब बहुत बुरा होता है, तो इसका हम बोल देंगे हेटफुल। क्या बोल देंगे? हेटफुल। नेक्स्ट अगर हॉटी देखें तो भाई हॉटी का मतलब क्या होता है? हॉटी का मतलब हॉट नहीं होता है, हॉटी का मतलब घमंडी होता है। हॉटी का मतलब क्या होता है? घमंडी। ऐसा मत बोल दीजिएगा आप किसी को जाके बहुत हॉटी हो, है ना, तो ये होता क्या है आपका? हॉटी, हॉटी का मतलब घमंडी होता है, और घमंडी का हो जाएगा एरोगेंट। इनबॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्मजात। फियरफुल जानते हैं आप लोग, स्किलफुल। ठीक है, लेथल का मतलब होता है नाजुक, लेथल, लेथल का मतलब होता है नाजुक। और फैटल का भी मतलब होता है बहुत खतरनाक या नाजुक बोल, सॉरी, लेथल का मतलब घातक होता है और फेटल का भी मतलब घातक होता है। ठीक है, स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब प्रोत्साहन होता है कोई चीज बहुत ज्यादा करने के लिए। जैसे आप लोग TSH पढ़े होंगे बायो, बायो में थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है ना, स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन बोल सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फेटल, फेस्टल की, फेस्टल मतलब खुश होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? अनपॉपुलर, जान ही रहे हैं, मैरी जान ही रहे हैं। शार्प मीन्स बहुत ज्यादा शार्प कोई चीज होती है, शार्प माइंड होता है। सोमन, सोमन मीन्स होता है गंभीर, तो इसका क्या हो जाएगा? खुश है तो बहुत ज्यादा उदार है, गंभीर है, सोमन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब दुबला पतला।
ठीक है। स्लेंडर का मतलब क्या होता है, दुबला पतला। स्टाउट का मतलब प्लम्प यानी कि मोटा, प्लम्प मीन्स क्या होता है, मोटा। स्टाउट का मतलब प्लम्प यानी मोटा। डिसीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है। और हुडविंक लिख लीजिएगा आप लोग, इसका फाइनल लिख लीजिएगा हुडविंक, HODWINK, ठीक है। HODWINK, हुडविंक का मतलब भी होता है धोखा देना, ठीक है। आगे देखें इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। नेक्स्ट अगर हम बात करें टार्डी की, तो टार्डी का मतलब होता है आलसी। टार्डी इन डूइंग समथिंग होता है किसी काम को करने में आलस करना, टार्डी। टार्डी का मतलब होता है आलसी। इसका एंटो लिखना है तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, माइल्ड का मतलब विनम्र, हार्ड, ठीक है, जेन्युइन, और क्विक। क्विक का मतलब होता है बहुत तेजी से कोई काम करने करता है, क्विक एक्शन होता है या, ठीक है, तो क्विक हो जाएगा इसका एंटो, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें एटेन्युएट, एटेन्युएट का मतलब होता है कमजोर करना, और कमजोर करने का सही साइनो एंटो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। फ्रेग्रेंट का मतलब खुशबू होता है ना, फ्रेग्रेंस। स्वीट मीन्स मीठा, डिफिकल्ट मीन्स कठिन। अब ये सब नहीं बताएंगे आप लोगों को, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20, ठीक है। इजी इजी मीनिंग है, वो आप लोग देख सकते हैं। एक्सटेंट का मतलब विद्यमान, स्टिल इन एग्जिस्टेंस, जो विद्यमान हो, ठीक है। फॉरसेक का मतलब त्यागना होता है, इंडोर्स। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है जो बहुत, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए, तो विद्यमान है और जो डिस्ट्रॉय हो गया है यानी कि अब ये नहीं है, तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, आपके इडियम्स फ्रेज की तरफ। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ लायंस माउथ। कोई अगर लायन के माउथ में चला जाए, शेर के मुंह में चला जाए, तो क्या होगा, डेंजर सिचुएशन में चला जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा डेंजर सिचुएशन, ठीक है। लायंस माउथ मतलब लायन के माउथ में चला जाए कोई, तो यानी कि वो खतरनाक सिचुएशन में चला जाएगा। स्टिफ नेक्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो स्टिफ नेक्ड हो। या नेक्स्ट हम अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, क्रॉस आउट। क्रॉस आउट का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें तो किसी लिस्ट या डॉक्यूमेंट से किसी का नाम हटा देना, वो होता है क्रॉस आउट। तो हम यूज क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस आउट के लिए, क्रॉस आउट के लिए यहाँ पर दिया क्या हुआ है, इंटरप्ट दिया है, एलिमिनेट दिया है, समन दिया है, और इन्फ्लेट दिया है। तो इसका हो क्या जाएगा, एलिमिनेट करना। मेकअप विद का मतलब होता है कहीं से भाग जाना होता है, कोई चीज चुरा कर भाग जाना भी मेकअप विद होता है, ठीक है। और टेक ऑफ, TAKE, टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब भी होता है चुरा कर भाग जाना, लिख लीजिएगा आप लोग टेक ऑफ। ये CPO 2019 के पेपर में पूछा है मेकअप विद, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है। आगे देखते हैं टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेंस, काउंटेनेंस क्या हो जाएगा, किस, टू मेक वन फील अशेम्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देखिए, लिखा हुआ है प्रैक्टिकली, क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट। प्रैक्टिकली सही है, एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, ये भी सही है। ऑफ द पपाया ट्री, पपाया ट्री का जो एवरी पार्ट है इज यूज्ड, वो यूज होता है बाय ए मैन, मैन के द्वारा, ठीक है। तो एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, यही पूछा है। यहाँ पे एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर लिखा गया है, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट होगा। ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है भाइयों, सिंगुलर होता है। कनिका सेल बी ग्रेटफुल टू यू, और हमने बताया है थैंकफुल और ग्रेटफुल के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, टू समबडी फॉर समथिंग, ठीक है। तो कनिका सेल बी ग्रेटफुल टू यू इफ यू आर ऑफ हेल्प हर नाउ, ठीक है। इफ की कंडीशन, और इफ का एक कंडीशनल सेंटेंस हमने बताया था, उसका यहाँ पहला रूल लग रहा है। इफ के बाद चलता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, और दूसरा वाला सेंटेंस होता है फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है। इफ के बाद क्या आता है देखिए आप लोग, इफ के बाद आता है क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, और दूसरा वाला सेंटेंस कौन सा होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है। इफ के साथ आने वाला सेंटेंस हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, दूसरा वाला फ्यूचर इंडिफिनिट में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ के साथ जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होना चाहिए, और दूसरा वाला किस में होना चाहिए, फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो यहाँ पे हम देखें तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब यूज होनी चाहिए यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म सिर्फ एक ही ऑप्शन में दी गई है, हेल्प में। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं, बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। श्वेता अननेसेसरीली पिक अप ए क्वेरल,
विद कनिष्क एंड लेफ्ट द मुंबई हरिडली, तो पिक एक्वायरल होता है, झगड़ा मोल लेना पिक एक्वायरल होता है, पिकअप एक्वायरल नहीं होता है। लिख लीजिएगा आप लोग, झगड़ा मोल लेना इसका पिक एक्वायरल होता है, ठीक है, पिक एक्वायरल होता है, पिकअप एक्वायरल नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, लिखा हुआ नॉट ए वर्ड सी स्पोक टू अनफॉर्चुनेट मदर अबाउट इट, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा क्या, आप लोगों हम सही आंसर यहाँ बता देते हैं, ऑप्शन दूसरे पेज में है। नॉट एक नॉट अगर सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो वहां इन्वर्जन लगने वाला होगा, यानी कि यहाँ पे पहले नॉट ए वर्ड के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर लिखा जाएगा मेन वर्ब, यानी स्पोक है ना, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड, पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए स्पीक, तो डिड सी स्पीक सही होना चाहिए, ठीक है। डिड दे स्पीक, तो वहां पे डिड दे स्पीक हो जाएगा, ठीक है, सी नहीं तो वहां दे यूज हुआ है तो आप दे यूज कीजिए। सब मिला करके सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद मेन वर्ब स्पीक आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि इसे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना, और किसी भी ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आई है, एक ही सेंटेंस में, एक ही ऑप्शन में आई है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हम देखें तो लिखा हुआ है श्रेय हैज गॉट मेनी फ्रेंड, उसके पास कई फ्रेंड्स थे, बिकॉज ही हैज गॉट डैश मनी, उसके पास बहुत ज्यादा धन था इसलिए मित्र उसके ज्यादा थे, तो ए लॉट ऑफ मनी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग एक चीज नोट कर लीजिएगा, ए लॉट ऑफ होता है, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ होता है, ए लॉट ऑफ होता है और लॉट्स ऑफ होता है, ठीक है, कभी भी लॉट ऑफ का यूज नहीं करते हैं, लॉट ऑफ से एरर पूछता है ना, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ठीक है, बहुत अधिक बोल सकते हैं। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में जरूर आई होंगी, हम बता रहे हैं आप लोगों की, मैं एरर इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स एंटोसाइनो और इडियम फ्रेज, ये इतने टॉपिक में क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के। जो बचे हुए पोर्शन है वो है क्लोज टेस्ट और पैसेज, उसकी वीडियोज आप लोगों को अलग से मिलेंगी, और PQRS की एक वीडियो पड़ी हुई आप लोग जाकर के वहां देखिए, और आगे भी हम उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। रही बात नाउन के चैप्टर की, जो मैंने शुरू की है उसकी वीडियोज आगे पढ़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि इतनी वीडियोज डालनी होती हैं तो थोड़ा टाइम का भी इशू आ जाता है, इस वजह से पढ़ नहीं पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि उसे मैं कंटिन्यू करूं। बाकी ये दोनों जो चल रहे हैं, दोनों का मतलब जो द हिंदू जो डिस्कशन हो रहा है और जो MB का डिस्कशन हो रहा है, फुल डिस्कशन, वो सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। और सेट नंबर अभी 8 तक हुआ है, 9, 10, 11, 12, ऐसे ही हम 2017, उसके बाद हम आते हैं 19 वाले सेट पे। कई लोगों की मांग थी कि सर 19 का सेट कराइए आप, तो मैं 19 का भी कराऊंगा, जल्द ही हम लेकर के आते हैं, पहले हम 17 थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ताकि हम ये दिखा सकें कि 17 में जो मैंने बताया है 2017 के क्वेश्चन में, वो 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है ना, मैं ये दिखा सकूं और मैं ये दिखाऊंगा भी। आप लोग एक नोट्स बनाते रहिएगा और वहाँ सारे रूल्स जो है वो जितने बताए जा रहे हैं उसे जरूर लिखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बाकी चीज़ें इस तरीके से आप लोग नोट करते रहिए, और अगर चैनल पसंद आया हो तो जा करके आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए भाई, जितने ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर जरूर कीजिए आप लोग वीडियोस को, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। बाकी आप वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, बिकॉज कमेंट आप लोग जब करते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ वीडियोस काफ़ी अच्छी मेरी हो रही है और मैं और अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आप लोग बताते भी हैं, काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ करके। तो चलिए ठीक है, और आगे हम मिलते हैं सेट नंबर 9 के साथ कल, और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।